हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ओ ओ ठीक है, तीन कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, वर्दीनेस, रिप्रिंटिंग योर सेल्फ, वाओ, सोलमेट। ओके जी, जर्नल रीडिंग तो है, साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। लाइफ पर्पस, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, कि आप दोनों के बीच में या तो काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई है, या आप दोनों की सिटी स्टेट और कंट्री भी हो सकता है अलग हो। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, डेटिंग, वाओ, सोलमेट के साथ डेटिंग, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, बॉटम में है फॉरगिवनेस, ओके। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें ऐसी दिल में लेकर बैठे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, तो आप उन सभी बातों को भूल जाएं और अपने पार्टनर को माफ़ करते हैं। सेम चीज़ आपके पार्टनर के भी दिल में है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी उन्हें कुछ कह दिया हो, तो वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें माफ़ करते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के दिल में जो भी नेगेटिविटी है आपको लेकर, या उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था उसको लेकर, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ पर कमिटमेंट देना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है ये, ओके। चलिए, हम आपके देखना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। आपको वर्दीनेस, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है, आप लोग की एनर्जीज इस तरीके की कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो जो भी थॉट्स, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो मैं हमेशा यही समझाती हूँ जब भी कोई भी ऐसा मिरर करने वाली एनर्जी का कार्ड मेरे पास आता है, कि आप जब भी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए सोचें, एकदम पॉजिटिव सोचें, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी होगी, ठीक है। रीप्रिंटिंग योर सेल्फ, आपके अगर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आप भूलना नहीं चाहते, तो आपके पार्टनर पहले भी अगर आपके साथ थे तो वो आपको समझाते होंगे कि आपको पास्ट लाइफ की बातें याद नहीं करनी है, और अगर आपके पास्ट लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो आप भूलना नहीं चाहते, ठीक है, तो वो आप प्लीज़ भूल जाइए, उन सभी चीज़ों से निकल जाइए, उन सब यादों से आपको निकलना होगा जो पास्ट में या आपके बचपन में ऐसा होता है कभी कभी किसी के साथ, कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही है कि बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो बुरी होती हैं और वो दिमाग से नहीं निकल पाती हैं, ओके, तो उन सभी चीज़ों को भूल जाइए। और जब आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट कर आएंगे, तो वो ये चाहेंगे कि जो भी नेगेटिविटी हो पास्ट लाइफ की, जो भी चीज़ें, जो भी उन्होंने कह दिया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा रिलेशन भी रहा आप दोनों का, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे और आपको आपका बचपन जीने में आपकी मदद करेंगे, कि आप वो चाहेंगे चॉकलेट्स आपको गिफ्ट करना है या बलून्स गिफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें करेंगे आपके साथ, ओके। यहाँ पर आप और आपके पार्टनर सोलमेट एनर्जी में, इससे शायद आप दोनों की एनर्जीज भी एक दूसरे को मिरर कर रही हैं, आप दोनों सोलमेट हैं। यहाँ पर भी देखिए, अगर इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो आप दोनों, ये दोनों एंजल्स ने सेम कपड़े पहने हुए हैं, सेम उन दोनों के ज्वेलरी भी है, ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम है, दिखने में भी दोनों सेम है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोलमेट की एनर्जीज में होती हैं, कुछ कुछ हरकतें बिल्कुल अपोजिट होती हैं, कुछ एक जैसी हरकतें होती हैं, बात करने का तरीका, पसंद नापसंद, कुछ बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी होती है, ईजी तो बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, तो इससे अगर आपको निकलना है कि मुझे मेरे पार्टनर से रीयूनियन करना ही है, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ाता रहना होगा। लाइफ पर्पस, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, आप उनका एक ही लाइफ में पर्पस है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप की फिर से नई शुरुआत करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो भाई आपके पार्टनर आना चाहते हैं वापस और आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, यहाँ पर आप और आपके पार्टनर की जब सेपरेशन हुआ,
तब आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये जो सेपरेशन हुआ है ये लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका रीयूनियन होगा तो ज़िंदगी का हर एक मोड़ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, आगे एक साथ बढ़ेंगे। मतलब आप दोनों का रीयूनियन होना ही है और आप दोनों ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक एक दूसरे का साथ देंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। सोलमेट के साथ हमारे पास डेटिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर भी यही कहना चाहते हैं भाई कि वो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपसे मिलना आना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही कह सुन दिया था, तो वो चाहेंगे कि आप उस भी उस चीज़ से निकल जाएं, वो भी उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए चाहते हैं कि पहले वो आ जाए मेरी लाइफ में, आप चाहते हैं पहले वो आ जाए, आपके पार्टनर सोचते पहले आप उन्हें कॉल मैसेज करें, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप आगे होकर कॉल मैसेज मत कीजिएगा, उनको बस मैनिफेस्ट कीजिए, उनको अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। वो खुद आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, ओके। क्योंकि ये एनर्जीज उनकी खुद की भी हैं कि वो आपके पास आकर आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, ओके, आपके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।